हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से PO प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ये ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बम्पर नंबर ऑफ सीट पे ये वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को बोला जा सकता है। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ आपके लिए आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल वे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है फ्रेंड्स कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 2000 सीट के लिए ये आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैटेगरी वाइज सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल के लिए 810 सीट है, OBC के लिए 540 सीट है, EWS के लिए 200 सीट है, SC कैंडिडेट्स के लिए 300 सीट है एंड ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 150 सीट रखा गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है कल यानी कि 7th of September 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 27th of September 2023 रखा गया है। पर आपको इसका वेट नहीं करना है कि 27 तारीख तक टाइम है तो आराम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, सर्वर इशू की वजह से ना बाद में बहुत दिक्कत होने लग जाता है, तो अभी जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप अप्लाई कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉर्म की फी बता दूं आपको कि जनरल OBC EWS से 750 रुपीज लिया जाता है, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप से कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। मतलब कि फीमेल्स भी अगर आप जनरल OBC EWS हो तो आपसे इतना रुपये लगने वाला है। एज लिमिट की बात करूं तो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा एज ऑन 1st April 2023 के अकॉर्डिंग। मिनिमम एज 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स रखा गया है। रिलैक्सेशन भी मिलता है आपको ओबीसी को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का। और भी कैटेगरीज को मिलता है, आप उसका जो है नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स के मन में आया होगा कि मैं अपीयरिंग हूँ तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आप कर सकते हो। अगर आप पासिंग या अपीयरिंग कैंडिडेट हो उसका डेट आपको नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है, आप एक बार चेक कर लेना और आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब बता देती हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स एग्जाम होता है, देन होता है आपका मेंस का एग्जाम, फिर होता है आपका GD या इंटरव्यू, मतलब ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू बोले तो। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्री का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स के लिए टाइम मिलते हैं 1 आवर के लिए। निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी बैंक का जो पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट का क्वेश्चन मार्क्स तो बताना ही है, साथ ही साथ में एग्जाम में आपको टाइम अलॉटेड होता है कि इस सेक्शन पे इतना टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए और 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। मतलब कि आपको 20 मिनट्स के लिए ये सेक्शन खुलेगा तो आपको उतने में ही इसको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी मैथ्स कर लेते हैं फिर वापस से जाके, ऐसा नहीं होता है। अगर जो भी सेक्शन ओपन होगा वो 20 मिनट तक रहेगा, अगर आप स्किप करते हो तो वो आपका छूट जाएगा। मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स में इसका भी टाइमिंग रहता है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए एंड 20 मिनट्स में इसका टाइमिंग खत्म हो जाता है। ओवरऑल आई होप कि प्री की एग्जाम पैटर्न को आप समझ पा रहे होंगे। अब बता दूं आपको मेंस का एग्जाम पैटर्न जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए टाइम मिलेंगे 3 आवर्स के, निगेटिव मार्किंग 0.25 का। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको ना सब्जेक्ट वाइज टाइम अलॉटेड होता है।
फर्स्ट होता है आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 50 मार्क्स के लिए। टाइम दिया जाएगा आपको 50 मिनट का इसके लिए। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए एंड 45 मिनट्स का। मतलब कि ओवरऑल माने तो मैथ्स का जो होता है ना डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह का वो पेपर आपका ये रहने वाला है। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 60 मैक्सिमम मार्क्स के लिए 45 मिनट्स का टाइम अलॉट रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट्स में आपको टाइमिंग दी जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो जाता है, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए एंड 30 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। सो ओवरऑल आपको प्री की पैटर्न कंप्लीट हो गए, मेंस का भी बता दिया, उसके बाद होगा आपका जीडी इंटरव्यू, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि जॉब की लोकेशन क्या रहने वाली, तो जॉब लोकेशन ना ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, एज पर एसबीआई आपको जहां पे भी लोकेट कर दिया जाएगा आपको वहां पे सर्व करना पड़ सकता है। ग्रुप ए की पोस्ट है, आप कहीं पे भी रहो, पर्क्स एंड अलाउंसेस अच्छी खासी मिलती है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, देश के किसी भी कोने से आप सर्व करो, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको रहने वगैरह के लिए भी बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाती है। तो आपको बता देती हूँ कि एग्जाम का जो डेट है वो क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स आपका प्री का एग्जाम ना नवंबर 2023 में होने वाला है, तो तैयारी की स्पीड को ना दुगनी स्पीड से आप बढ़ा दो, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। और एसबीआई का पेपर जितना भी बैंक का पेपर होता है ना उसमें सबसे ज्यादा टफ होता है। मेंस का पेपर लिया जाएगा दिसंबर 2023 में या फिर जनवरी 2024 में। मतलब ये मान के चलो कि आपका जो सीट अलॉट होगा अप्रैल 2024 में आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर देके सीट अलॉट करा दी जाएगी। सो एकदम एक्साइटेड होके करना है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ग्रुप ए की पोस्ट है, पैसा भी बहुत अच्छा खासा रहने वाला है, और बैंक में जॉब करना तो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो आइए अब सैलरी भी बता देती हूँ आपको। आपको स्टार्टिंग सैलरी 65,780 रुपीज़ तो 68,580 रुपीज़ होती है। मतलब कि आपको पर्क्स एंड अलाउंसेज भी अच्छे खासे मिलते हैं। पर ईयर इंक्रीमेंट के बाद फ्रेंड्स आपका जो मंथली सैलरी होता है ना 1 लाख के अप्रॉक्स पहुँच जाता है। सो ये अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना है, कोशिश करना है कि 2000 में से एक सीट आप अचीव कर लो। तो चलो मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्री में क्या कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए 59.50 कट ऑफ रहा था, ओबीसी के लिए 58.25 कट ऑफ रहा था, ईडब्ल्यूएस के लिए 59.50 कट ऑफ था, एससी कैंडिडेट्स के लिए 52.50 कट ऑफ था, एसटी के लिए 47.75, लर्निंग डिसेबल्स के लिए 46.25, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए 50.50, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 21.50। सो ये कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको टेस्ट सीरीज बनाना है, प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं, अपकमिंग जो रहता है ना एक्सपेक्टेड पेपर वो आप जरूर बनाओ, अपने तैयारी की स्पीड को अच्छी रखो और प्रैक्टिस से टाइम टाइम पे बनाते रहो। इससे आपका स्पीड भी बूस्ट होता है और आप कहाँ पे छूट रहे हो ये भी पता चलते रहता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो आपको डिटेल बताया है एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे आके क्वेरीज को पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल सबका लिंक मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे जॉब के नोटिफिकेशन वहां पे पोस्ट करती हूं, तो आप वहां पे जुड़ जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भर भर के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये यूजफुल वीडियो की नॉलेज हो पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।